मैं डॉक्टर कजोरलाल भैरवा, उस्ताद शोभा उर्दू गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टॉप में उर्दू का उस्ताद हूँ। वो एम ए प्रीवेश उर्दू सेकेंड पेपर नस्र। मैं आज हम दास्तान के बारे में गुफ्तगू करेंगे। दास्तान होती क्या है, दास्तान किन किन चीज़ों से बनी है, इसके बारे में हम तफसील से गुफ्तगू कर रहे हैं। दास्तान अफसानवी अदब की कदीम तरीन सिंफ हैं। दास्तान में किस्सा कहना सुनना इंसान का पसंदीदा मसला है। ये और बात है कि आज की दौड़ धूप बड़ी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में इसकी मोहलत नहीं देती। किसी ज़माने में दिन भर का थका हारा इंसान रात को दोस्तों के हुक्के में बैठता और अपनी कहता, दूसरों की सुनता जिसे वो याद हो या सुनाता, और कोशिश करता कि मरकज बना रहे। किससे से ज़्यादा दिलचस्प और कौन सी चीज़ हो सकती है, इस तरह किससे ने जन्म लिया। वो वक्त गुजारी और रात बसर करने की एक चाहत होती थी और ज़्यादा दिलचस्प और कौन सी चीज़ हो सकती है। इस तरह से वो रात गुजर गई और रात के मिसरे पेश भी पैदा हो गए, मगर ऐसा तबका फिर भी बाकी रहा जिसे वक्त गुजारी के लिए दिलचस्प मस्करों की ज़रूरत थी। बेफिक्रों को वक्त काटने का जो मस्कल सूझे, किस्सा उनमें से एक था। उर्दू नसर की दास्तानों में प्रोफेसर ज्ञानचंद ने लिखा है, चैम्बर्स ऑफ इंडिया की एक मजबूत निगार के मुताबिक, किस्सा वही ज़्यादा तरक्की करता है जो जहाँ लोग ज़्यादा काहिल हों। यूनान में किस्से उस वक्त लिखे गए जब रोम ने जेरेंगे हो गया। रोम का अफसानवी अदब उस वक्त वजूद में आया जब आमिर शहंशाहों ने फर्द की आज़ादी सलब कर ली। 19वीं सदी के दिल्ली और लखनऊ का काहिलों का किस्तना था। इसी तरह दास्तान उस वक्त तक किस्से की कोंख से दास्तान जन्म ले चुकी थी और उसकी हैसियत सुबाई रोमान की थी और उसमें वाक़ अफ्यून की तरंग पोशीदा थी। बादशाह, शहजादे, वजीर, आमिर, नवाब, सल्तनत के अहदेदार सभी दास्तान की जुल्फे घेर के असीर थे। रातों को देर तक दास्तान सुनना, हीरो की फतेह, कामरानी पर इस करते, बादशाह सलामत, शायद ये तसव्वुर कर लेते कि उनका कोई जानिसार उनकी सरहदों को वसी करने के लिए बहादुरी के जौहर दिखा रहा है। सिपे सालार उस हीरो की जगह ख्यालों में
खुद को मोहलत सर करते देखता। इसी तरह ख्यालों की दुनिया में परवाज करते करते ख्वाब की दुनिया में जा पहुँचते। अजब नहीं के सपनों में भी यही दिलकुश करने वाले मंजर नजर आते हैं। गर्ज हकीकत की सपाट दुनिया से फरार के बाद दास्तान एक अच्छी जाए पनाती। चुनांचे दास्तान तरक्की करती रही और उसने एक बाकायदा फन की हैसियत अख्तियार कर ली। दास्तान का फन एंड दास्तान उन हालात में नशोनुमा पा रहा था जिनका ऊपर जिक्र किया गया है कि आखिरकार उसकी खदोखाल पूरी तरह मुतय्यन हो गए। एक अरसे तक नसरी अदब दास्तान का तसरफ रहा। बालाखिर तिलिस्म में टूटा इंसान ने ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में कदम रखा। इन दास्तानों को देखकर कुछ शर्माया भी के उन्हें देखकर उसे अपनी गलफत जिहालत और नादानी का जमाना याद आता था। मगर ये दास्तान भी अपनी तारीख अदब का एक वर्ग था और उसके अपने तकाजे थे जिनकी बारे में हम आगे बताएंगे आज।